बीजेपी के नाम पर आप वोट दे दीजिएगा, हाँ, लेकिन कुशवाहा जी को वोट नहीं दीजिएगा। नहीं, इसलिए कि कुशवाहा हम लोग का गांव में नहीं आता कभी। अच्छा, मतलब बीजेपी के नाम से अगर बीजेपी टिकट दिया जी तो आप वोट कुशवाहा को दे दीजिएगा? बिल्कुल आंख बंद करके दे दिया। नहीं दिया तो आप वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। मतलब मोदी फेवरेट? बस, सरकार से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। हाँ, पूरा खुश हैं? पूरा खुश हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब मोदी सरकार से आप खुश हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संतोष कुशवाहा जी जदयू से हैं, जदयू से हैं नीतीश कुमार के साथ में, और नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ गठबंधन हो गया, नीतीश कुमार जी बीजेपी में चले गए हैं, तो फिर आप मोदी को पसंद करते हैं और कुशवाहा को पसंद करते हैं? मोदी को पसंद करने का इस कारण है कि पूरा भारत का सरकार अभी राजा राजमहल उन्हीं के हाथ में है। मोहम्मद सलीम। सलीम जी, तो क्या करते हैं आप? अभी खेती गृहस्थी है, एक दो बीघा। बाल बच्चा कैसे है? बाल बच्चा सब मेरा दूटा था, दोनों गायब, इसीलिए आप पैर पे पैर देके बैठे हुए। दोनों अपना कमाओ खाओ, हम सबको मतलब नहीं, आराम से आप घूमते हैं। हाँ, बस चाय पी रहे हैं। हाँ, ये बताइए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, सुनिए। हाँ, एक तरफ संतोष कुशवाहा जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, पप्पू सिंह जी हैं, वही सब को देंगे, संतोष कुशवाहा हम लोग नहीं देंगे। काहे चाचा? अरे आज तक झांकी नहीं मारने आया, एक दिन भी देखने घूमते हैं ना, एक बार भी नहीं आया घुसने, कभी नहीं देख उसका चेहरा कैसा है, नहीं देख, हम लोग तो मारपीट के उसको दिया था, चेहरा नहीं देखे ना आज तक, उसका चेहरा नहीं देखा। पूर्णिया से सांसद किनका संभावना है निकल जाएगा लग रहा है? पप्पू यादव जी। कैसे निकल जाएगा पप्पू यादव? अच्छे से निकलेगा, कैसे बताइए ना, पब्लिक उनको चाह रहे हैं। हाँ, पूरा पब्लिक चाह रहे हैं उनको, पप्पू यादव को जी। जब जो घंटा मर्जी होते हैं उनके दरबार में जाते हैं तो जरूर इज्जत करता है गरीब का। देखते हैं कुशवाहा जी को घूम रहे हैं गाड़ी? ना ना ना, कुशवाहा नहीं आते हैं, हम देखते हैं, कभी नहीं आते। हमारे का विकास में आज तक जीत करके 5-10 साल हो गया, आज तक तू भेंट मुलाकात किसी का नहीं किया, किसी गरीब का भी नहीं। अच्छा, जबकि कर लेता तब न समझते हैं, आज तक तो चेहरा नहीं दिखाया संतोष कुशवाहा। अच्छा, तो हम लोग कैसे मान जाएंगे? आप संतुष्ट नहीं है ना? अगर रहते तो हम लोग का रोड बन जाता, नाला बन जाता, गली नाला बनता, हर चीज बनता। निगम में बहुत ऐसा आदमी, निगम सरकारी बाथरूम दिया, हम लोग को नहीं मिला। अच्छा, आकर के बाथरूम को घुमा के लेके चला गया। नहीं दोस्तों, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, ऐसे में जो पूर्णिया लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं और आम जनता से, आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ इस बात को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला लोकसभा, पूर्णिया लोकसभा में वो सांसद के रूप में किनको देखना पसंद करते हैं या फिर वो किनको बनाना चाह रहे हैं। अभी देख सकते हैं कि हम लोग पूर्णिया के चिमनी बाजार एरिया में है, जो कि नगर निगम में ही पड़ता है, और पीछे आपको चाय का दुकान भी दिखाई दे रहा होगा। हम लोग चाय भी पियेंगे और साथ ही साथ चाय पीने के साथ साथ चाय पर चर्चा भी करेंगे कि आने वाला 2024 में पूर्णिया का अगला सांसद कौन होगा, या फिर जो वर्तमान में अभी सांसद है उनके कार्य से ये लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। इधर हमारे साथ एक चाचा है, इधर भी एक चाचा है, उधर भी एक चाचा है, इधर भी एक चाचा है, इधर भी 4-5 लोग हैं, सभी चाय पर बैठे हैं। हम बारी बारी से बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम मिर्जा साजादा। मिर्जा साजादा? मिर्जा साजादा। अच्छा, वोट करते हैं? आने वाला लोकसभा का चुनाव नजदीक है, कुछ ही दिनों में लोकसभा का चुनाव होगा, वैसे में आप पूर्णिया का सांसद किनको देखते हैं? जिनका काम देखेंगे उनको देखेंगे। सांसद को पहचानते हैं अपना? क्या नाम है? संतोष कुशवाहा है, खमचा है, कहाँ खमचा जी तो विधायक है, जो भी रहे संतोष कुशवाहा है, संतोष कुशवाहा जी है। अच्छा, अभी चुनाव जो आने वाला है, मेरा समझिएगा, चुनाव आएगा, कई सारा कैंडिडेट होगा, एक तरफ संतोष कुशवाहा जी हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव जी हैं, उसके बाद पप्पू सिंह जी भी हैं, और कोई अन्य नेता है, कोई नया भी आएगा, ऐसे में आप किनको देखते हैं, कौन किनको बनाना चाह रहे हैं? जो काम करेगा उन्हीं को चाहते हैं हम। अच्छा, इधर एगो चाचा है, इनका कहना हुआ कि काम करेगा उन्हीं को। चाचा, क्या नाम हुआ? हमारा मोहम्मद सलीम। सलीम जी, क्या करते हैं आप? अभी खेती गृहस्थी है, एक दो बीघा। बाल बच्चा कैसे है? बाल बच्चा सब मेरा दूटा था, दोनों गायब, इसीलिए आप पैर पे पैर देके बैठे हुए। दोनों अपना कमाओ खाओ, हम सबको मतलब नहीं, आराम से आप घूमते हैं। हाँ, बस चाय पी रहे हैं। हाँ, ये बताइए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, सुनिए। हाँ, एक तरफ संतोष कुशवाहा जी हैं, पप्पू यादव जी हैं, पप्पू सिंह जी हैं, वही सब को देंगे, संतोष कुशवाहा हम लोग नहीं देंगे। काहे चाचा? अरे आज तक झांकी नहीं मारने आया, एक दिन भी देखने घूमते हैं ना, एक बार भी नहीं आया घुसने, कभी नहीं देख उसका चेहरा कैसा है, नहीं देख, हम लोग तो मारपीट के उसको दिया था, चेहरा नहीं देखे ना आज तक, उसका चेहरा नहीं देखा।
अच्छा इतना दिन से वो अभी हैं, क्या उनके कार्य से संतुष्ट है? जो भी काम किया है कुछ संतुष्ट है? कुछ काम वो कौन ले किया? काम नहीं, नहीं, नहीं। वो तो दिलीप यादव है माँ का, भला बुरा खोक्सी बाग का। अच्छा वही सब कुछ कर रहा है अभी। आपके वार्ड में काम हुआ है? हाँ हो रहा है, बना है। नहीं देखिए बिल्कुल रोड देख लीजिए ना यहाँ से, यही सड़क गांव वाला ये तो मेन रोड है। जी नहीं बना है ना, देख लीजिएगा यहाँ से माता के। इसमें पीएससी सेंटर जो मतलब हॉस्पिटल वगैरह ये सब है? नहीं आंगनबाड़ी वगैरह है? आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी आपको। हम लोग वर्तमान सांसद के कार्य से संतुष्ट नहीं? नहीं नहीं हम लोग सही नहीं है। किनको बनाइएगा जो अब देखें जिसका काम कर रहा है उसको देंगे? नहीं 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 अभी हम लोग हम जिसको दाए हाँ बदलाव कर दे। हाँ हाँ अच्छा काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, गरीब को नहीं देखा। वो नहीं देखा ना, सड़क बना रहा, पुल पुलवा बना रहा, कुछ नहीं इधर कुछ नहीं। आप जाइएगा ना ये रोड धर के, ये मेन रोड है, देखिए कहीं भी है दिखेगा। अच्छा पप्पू यादव जी के बारे में क्या विचार है, किस तरह से देखते हैं वो? नहीं पप्पू यादव ठीक, कहीं भी कोई बात सुनता तो दौड़ा आता। आपके नजर में कैसे देख रहे हैं? हमको ठीक देख रहे हैं, कहीं भी अभी जरा सा कान में खबर आ जाएगी चिमनी बाजार में तो दौड़ा चलाया था वो, जनता के बीच रहते हैं। हाँ तो क्या उसका चांस है कि जीत पाएगा? अंदाज तो लगता है। हाँ उम्मीद तो लग रहा है। क्या माहौल है? माहौल ठीक है। अच्छा उसके लिए तरफ और पप्पू सिंह जी भी हैं, जानते होंगे? हाँ पप्पू सिंह जानते हैं कि जानते हैं उनके बारे में क्या? अभी हम नहीं कह सकेंगे उसके बारे में, कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं बोलिएगा। कहाँ कुछ ये देखते हैं उसको? अच्छा कोई चर्चा नहीं पप्पू सिंह का। चलिए क्या नाम हुआ? अब्दुल कय्यूम जी। चाय पी रहे हैं? हाँ चाय पी रहे हैं। अच्छा क्या करते हैं आप? वही एक बीघा खेती बाड़ी कर रहे हैं, घूम फिर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा वर्तमान सांसद जो है पूर्णिया का, उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या रहेंगे, वो सही है, आने वाला चुनाव का टाइम होगा, सोचेंगे, सोच विचार करके बोलेंगे, अभी नहीं बताएंगे। नहीं बताइएगा काहे? वैसे ही डर लग रहा है। नहीं नहीं डर का कौन सो, कोई काट के खा लेगा क्या? सोच विचार करके ही देंगे, देश में सोच विचार करके ही देंगे, अभी नहीं बताएंगे। अच्छा, एक वोट का कीमत क्या होता पता है? बहुत कीमत है, पता है ना। हाँ। वोट आप क्यों देते हैं? देश में रहने के लिए, नागरिक बन के रहना, क्षेत्र का विकास हो, आपका विकास हो। हाँ। और अगर आपका विकास नहीं होता है तो आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? विकास कहाँ हो रहा, बोलिएगा ना। विकास तो देखिए रहे हैं, रोड का क्या पोजीशन, तो हम पूछ रहे क्या समस्या है। 32 का भी वही हाल है, 34 का भी वही हाल है। ये 32-34 है जी, दोनों में रोड नहीं है? नहीं। अच्छा तो कभी बातचीत नहीं हुआ किसी से यहाँ का सांसद? आई भी नहीं कर रहा कोई नेता, तो हम किसका बारे में? कभी आई भी नहीं कर रहा। वार्ड पार्षद कौन है? वार्ड पार्षद वसीम है, वसीम जी है। अच्छा चेयरमैन पूर्णिया नगर निगम में है। चलिए ये लोग हैं, कुछ बोलने से शर्माते भी हैं और डरते भी हैं। इधर हमारे चाचा चाय है, अंत में चाय वाले चाचा, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद नसीर। नसीर जी हैं, चाय का दुकान जी। आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी की जय। मोदी जी की जी, जय जी, है ना। अच्छा लोकसभा का चुनाव आने वाला है, वर्तमान सांसद के कार्य से संतुष्ट हैं? जो अभी तक जो काम किए संतुष्ट हैं? संतोष जी तो अभी एक भी काम नहीं किए संतोष कुशवा, रोड बना रहा है, पुल बना रहा है। हमारे यहाँ तो एक भी ना रोड बनना, सुनिए ना, हमारे यहाँ एक रोड बनना, ना हमारा नाला बनना, ना हमारा कोई विकास का काम किया, तो हम कैसे मान जाएंगे संतोष जी को? कह रहे हैं पूरा नगर निगम चमका दिया। आप तो नजर से खोल के देख लीजिए कि हमारे यहाँ क्या हाल है। जब बारिश की टाइम होती है तो आंगन में इतना पानी होता है। अच्छा। और बाल्टी में बाल्टीन पानी फेंकना पड़ता है, तो उसको उस नजर दौड़ा करके देखिए कि किस किस हाल है इस गाँव का। अच्छा इस गांव में क्या मिल रही है अभी? अच्छा। सरकार जो खाना दे रहे हैं मोदी सरकार, वही खा रहे हैं, आजादी से खा रहे हैं, रह रहे हैं, अच्छा से रह रहे हैं। अच्छा अगर हम आपके गांव की बात करें, अभी 32-33 वार्ड जी, 32-33 जी, तो 32-33 गांव का नाम क्या हुआ? चिमनी बाजार दरगाह सराफ। आपके नजर से इस चिमनी बाजार में 5 काम बताइए जो आपको लगता है नहीं हुआ है, जो होना चाहिए बोलिए। कौन काम? देखिए एक नाला, एक सड़क वाला हो गया, नहीं हुआ है? नहीं हुआ। एक आपका नाला नहीं बनना, दो हो गया। दूसरी बात, बहुत ऐसा इंसान वृद्धा के लिए तड़प रहे हैं, वृद्धा वाले को वृद्धा नहीं मिल रहा। बहुत ऐसा इंसान जो है भूखे मर रहे हैं, खाने से नचार हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा गरीबों को। हाँ घर नहीं मिल रहा, तो घर तो सरकार जी चुन चुन के दिया है किसी किसी को, जो पैसा वाला है उनको दिया है, जो गरीब है उनको नहीं दिया है।
अच्छा, रोजगार रोजगार पूर्णिया में मिला है किन्हीं को सांसद जी के अभी द्वारा? अभी किसी का द्वारा से किसी को कुछ रोजगार नहीं मिला है। अच्छा जी, अब देखिए कि अब 2024 आने वाला है, पप्पू यादव जी हैं, पप्पू सिंह जी हैं, जानते होंगे कांग्रेस से, हालांकि थे हैं भी अभी, दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा जी हैं, फिर कोई नई एक और कोई एक हो दो हो तीन हो जो भी हो नया कैंडिडेट होगा, ऐसे में आप किनको देखते हैं कि इस बार निकल जाएगा, संभावना है? हम लोग तो नजर से देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, पूर्णिया से सांसद किनका संभावना है कि निकल जाएगा लग रहा है? पप्पू यादव जी। कैसे निकल जाएगा पप्पू यादव? अच्छे से निकलेगा, कैसे बताइए ना, पब्लिक उनको चाह रहे हैं, पूरा पब्लिक चाह रहे हैं उनको, पप्पू यादव को जी। जब जो घंटा मर्जी होते हैं उनके दरबार में जाते हैं तो जरूर इज्जत करता है गरीब का। देखते हैं कुशवाहा जी को घूम रहे हैं गाली ना, ना ना ना, कुशवाहा नहीं आते हैं, हम देखते कभी, हैं कभी नहीं आते। हमारे लोग का विकास में आज तक जीत करके 5-10 साल हो गया, आज तक तू भेंट मुलाकात किसी का नहीं किया, किसी गरीब का भी नहीं। अच्छा, जबकि कर लेता तब न समझते हैं, आज तक तू चेहरा नहीं दिखाया संतोष कुशवाहा। अच्छा, तो हम लोग कैसे मान जाएंगे? आप संतुष्ट नहीं है ना? अगर रहते तो हम लोग का रोड बन जाता, नाला बन जाता, गली नाला बनता, हर चीज बनता। निगम में बहुत ऐसा आदमी, निगम सरकारी बाथरूम दिया हम लोग को नहीं मिला। अच्छा। आकर के बाथरूम को घुमा के लेके चला गया, नहीं दिया क्या, तो आप 10,000 रुपया जमा करो तब बाथरूम मिलेगा। अच्छा, इस बार जो सांसद बनेंगे, चुनाव होगा, जो जीत जाएंगे, उनसे कुछ कहेंगे आप क्या देखना चाहते हैं अपने गाँव में, क्या विकास देखना? हाँ, बहुत विकास, थोड़ा कहिए। कहना है यही कि हम लोग को रोड बनना चाहिए विकास का, बाथरूम जिनको नहीं है, गरीब को खाने के लिए मर रहा हो उसका खाने का इंतजाम कर दीजिए, और क्या। सरकार तो मोदी सरकार जो दे रहे हैं देवे कर रहे हैं राशन पानी। अच्छा। बात बाकी यही सब तकलीफ और कोई तकलीफ? मोदी सरकार से खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। हाँ, पूरा खुश हैं? पूरा खुश हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब मोदी सरकार से आप खुश हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संतोष कुशवाहा जी जदयू से हैं, जदयू से है नीतीश कुमार के साथ में, और नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ गठबंधन हो गया, नीतीश कुमार जी बीजेपी में चले गए है? तो फिर आप मोदी को पसंद करते हैं और कुशवाहा को पसंद करते हैं? मोदी को पसंद करने का इस कारण है कि पूरा भारत का सरकार अभी राजा राजमहल उन्हीं के हाथ में है, समझ गए? ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, बीच में भी वही है, इसलिए हम लोग को पसंद है। मोदी जी दोबारा अगर कुशवाहा जी को टिकट दे दिया तब क्या करिएगा? करेंगे क्या? बीजेपी टिकट दे देगा? दे देगा तो जाएगा, जीत जाएगा तब? हाँ, तब वोट दीजिएगा? जरूर देंगे। तब वोट दे दीजिएगा? हाँ, दे देंगे। लेकिन बीजेपी के नाम पर आप वोट दे दीजिएगा? हाँ, लेकिन कुशवाहा जी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, इसलिए कि कुशवाहा हम लोग का गांव में नहीं आता कभी। अच्छा, मतलब बीजेपी के नाम से अगर बीजेपी टिकट दिया जी दोबारा, तो आप वोट कुशवाहा को दे दीजिएगा? बिल्कुल, आंख बंद करके दे दिया। नहीं दिया तो आप वोट नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे, मतलब मोदी फेवरेट, बस एक ही बात। हम लोग दिखा रहे हैं चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर चर्चा हो रहा है, और हम लोग पूर्णिया नगर जो नगर निगम है यहाँ के, इस चिमनी बाजार गांव पड़ता है, वार्ड नंबर 32-33, और चाय पी रहे थे, चर्चा हो रही है। बाकी और भी चौक चौराहा पे जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, आपको वहाँ का क्या रुझान है लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोगों को सुनाएंगे।